मिलती हैं, क्योंकि विक्टिम तो वो महिला है जो 400 रुपए का सिलेंडर आज 1200 पर ले रही है। विक्टिम वो महिला है जो आटे पर जीएसटी दे रही है। विक्टिम वो महिला है जो सरसों का तेल 90 पर था आज 200 पर खरीद रही है। विक्टिम वो लोग हैं। आप महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री है ना स्मृति जी, मेरा आपसे एक सवाल है। आप लखीमपुर के चीरहरण पर चुप रहती हैं, आप शाहजहांपुर के यौन शोषण पर चुप रहती हैं, आप हाथरस में एक गुड़िया को रात को जला दिया जाता है मिट्टी का तेल डालकर, आप चुप रहती हैं। लेकिन आपके बगल में बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी का सांसद एक महिला सांसद को, एक महिला विधायक को वैशाली की नगर वधू वेश्या बुलाता है और आप चुप रहती हैं। कब माफी मांगिएगा आप इस देश से? आज कहने का वक्त है, खड़ी होइए और माफी मांगिए इस देश से। महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं आप, यह आपकी नैतिकता है? आपके बगल में बैठा हुआ सांसद, भाजपा का सांसद, एक महिला सांसद और एक महिला विधायक को वैश्या कहता है और आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है? आप अंकिता ठाकुर पर चुप रहती हैं, आप तमाम ऑन रेप केसेस पर चुप रहती हैं जहां पर आपके लोग संलग्न हैं। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछती हूं, संसद में बैठकर, संसद की गरिमा को भंग करके, मर्यादा को तार तार करके, आपका एक सहयोगी एक महिला सांसद को और एक महिला विधायक के लिए शब्द का प्रयोग करता है जिसको सुनने से पहले इस देश की हर महिला लज्जित होती है, आप चुप रहती हैं? आप विक्टिम नहीं है, आप विक्टिम बिल्कुल नहीं है। विक्टिम इस देश की महिलाएं हैं। विक्टिम आज मध्यम वर्ग है जो महंगाई से जूझ रहा है। विक्टिम इस देश का युवा है जिसके पास नौकरी नहीं है। आप विक्टिम प्लाकार्ड प्ले करिएगा। आपकी घबराहट और बौखलाहट में मुझे अडानी का बेनकाब होता हुआ सच नजर आता है। मुझे हर कीमत पर अडानी को बचाने की आपकी, आपके प्रधानमंत्री की, आपके मंत्रियों की, आपके सरकार की मंशा और प्रतिबद्धता नजर आती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच को कितना भी छुपाओ वो और उतनी ही दुगनी ताकत से उभरता है। सूरज की रोशनी छुप नहीं सकती किसी बादल से, और अडानी का सच आज ये देश समझ रहा है, देख रहा है। आपका सारा तंत्र, आपकी एजेंसियां, आपके लोग और आप खुद लगातार राहुल गांधी जी के पीछे पड़े हुए हैं। वो एक व्यक्ति जो सच बोल रहा है, वो एक व्यक्ति जिसने वाकई में आपको व्यथित करके रख दिया है। मैं पूछना चाहती हूं आपसे, कब अडानी पर बोलिएगा? कब आपकी एजेंसियां जांच करेंगी? अडानी पर ये मौन व्रत क्यों है? चार ही सवाल तो पूछे अडानी पर, कैसे 609 नंबर से 2 नंबर पर आए? विदेश यात्रा में कहां कहां गए जहां पर उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला? SBI और LIC का पैसा क्यों लगाया गया जो पैसा डूब गया? आज पूछना बनता है कि क्या देश की महंगाई, देश की बेरोजगारी, देश की आर्थिक असमानता, महिलाएं, चीन मुद्दा नहीं रह गया है? आप अडानी को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, और इसलिए बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि शब्द आज सवेरे नरेंद्र मोदी के थे।